नमस्कार सभी किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त अनु सांगवान स्वागत करता हूं आज हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है खेती दुनिया, जो आपके लेकर आता है नए नए प्रकार के कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी। तो आज हम आपको कराएंगे एस्कॉर्ट के फार्म पावर स्प्रेयर के बारे में, जो बूम स्प्रेयर के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में सर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको जो कंपनी के एक्सपर्ट हैं वो आपको पूरी जानकारी देंगे इस प्रोडक्ट की। लगे तो उसे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं सर से और उनके जानते हैं उनके कंपनी का इंट्रोडक्शन, उनका इंट्रोडक्शन और उनके प्रोडक्ट के बारे में। सर नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनमोलदीप सिंह एस्कॉर्ट्स की तरफ से, और आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एस्कॉर्ट्स का बूम स्प्रेयर, जो कि एस्कॉर्ट्स खुद अपना फरीदाबाद में बना रही है, घर पे ही बना रही है, मेड इन इंडिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो हमारा ये बूम स्प्रेयर है, जो कि हम फरीदाबाद में बना रहे हैं, जो कि काम आता है स्प्रे के लिए। आज स्प्रे करने में हमारी बहुत दिक्कत आ रही है, हमें लेबर कम मिलती है, तो इसी कारण हमारी कंपनी इसे बना रही है, जो एक बंदा 40 एकड़ में स्प्रे कर सकता है मिनिमम एक दिन में, और मैक्सिमम तक हम 50 एकड़ तक जा सकते हैं। जो हमारा ये बूम स्प्रेयर है टोटली हाइड्रोलिक पे डिपेंडेड है, इसमें कुछ भी मैकेनिकल हमने काम नहीं किया, इसमें सारा ही टोटली हाइड्रोलिक पर काम होता है। रनिंग से लेकर टायर की टर्निंग तक सभी हाइड्रोलिक पर ही काम चलता है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ, तो हमारा ये बूम है, जो हमारा बूम स्ट्रक्चर है ये टोटली 30 फीट का है, 30 फीट एरिया कवर करता है, और जो नोजल का हम डिस्टेंस रखते हैं वो 16 इंच पे रखा हुआ है, ये वाला दोनों यस 16 इंच पे। और जो नोजल है वो दोनों साइड पे काम करती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमने ऊपर हर्बिसाइड की नोजल भी है और नीचे हमारी कॉर्न टाइप नोजल है, जो हम अदर फसल्स में यूज़ कर सकते हैं। हर्बिसाइड जैसे घास की स्प्रे करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसको। और जिस तरीके से आप देखते हैं, ये हमारा डीजल पंप, डीजल सप्लाई होती है इसमें फ्यूल की। अच्छा, और जो इसका इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो वहाँ पर, एक घंटे में कितना डीजल आपका? हाँ, एक घंटे में अगर ये वर्किंग पे है या नॉन वर्किंग पे है, इसकी कैपेसिटी रहेगी 2.5 से 3 लीटर की। जी सर, ठीक है। इसमें ऊपर जो फंक्शनिंग दे रखी है, स्प्रे पंप वहीं से ओपन ऑफ होगा, नोजल्स का वहीं पर दे रखा है, सारा सिस्टम वहीं पर दे रखा है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी अरे, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा इग्निशन की का दे रखा स्विच, यहाँ से हमारी मशीन स्टार्ट होती है। ये FNR लीवर है, फॉरवर्ड और रिवर्स का लीवर एक ही है, और यहाँ पर हमारा स्प्रे पंप का ऑन ऑफ का है, वाइपर, हाइलो गियर जो कि हमने दे रखा है यहाँ एक बटन में ही, और ये हमारी लाइट्स का, फैन का, और ये हमारा एक बार है जो हमारे पंप के प्रेशर को बताता है, कितने प्रेशर पर आपकी पंप चल रहा है, और ये ऑन ऑफ के लिए है, नोजल्स ऑन ऑफ के लिए, राइट सेंटर एंड लेफ्ट साइड के बूम के। और इसी के साथ ये हमने एक दे रखा है ब्लैक कलर का, जो कि प्रेशर को कंट्रोल कम ज़्यादा करता है, जितने बार पे हमें चलाना है। और इधर हमारा बूम को अप डाउन, इधर से बूम को अप डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट का अप डाउन क्लोज एंड ओपन, और ये राइट का क्लोज एंड ओपन के लिए दे रखा है। इसी तरीके से हमने एक वाइपर मोटर दे रखी, वाइपर दे रखा है, और लाइट दे रखी है बीच में काम करने के लिए, और साथ में फ़ैन दे रखा है रियर पे। वैसे ही हमारा एक ये हैंड ब्रेक है, हमने ब्रेक जो हमारा दे रखा है वो FNR लीवर में ही है, ब्रेकिंग सिस्टम। और उसके बाद हमने एक ये वाटर टैंक दे रखा है, जो कि ऑपरेटर के लिए है, ताकि ऑपरेशन के बाद वो अपना हाथ और मुंह यहाँ से धोकर ही आगे निकले, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट ना रहे कोई पेस्टिसाइड का। उसके बाद ये हमारा हाइड्रोलिक टैंक आ जाता है, जो कि लगभग 26 लीटर का है, जिससे हमारा हाइड्रोलिक टैंक, अच्छा हाइड्रोलिक टैंक है, जो हमारी टोटली सप्लाई इसी से जाती है हाइड्रोलिक की, पूरी मशीन में। उसके बाद ये हमारा लाइन फिल्टर आ जाता है, जो हमारा स्प्रे पंप में काम आता है, और इसी में हमारा 90 नंबर का एक पंप लगा हुआ है, जो डायफ्राम में है। जी सर, और साथ में हमारा HST सिस्टम है, जो हमारी पूरी कंट्रोल करता है मशीन को, जो हमारी सप्लाई देता है हाइड्रोलिक की, आगे ट्रांसफ़र करता है। उसी के साथ साथ मैं बता दूं, जो हमारा इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है मशीन में, पूरा हैवी मटेरियल है, जो अब अदर कंपटीटर की मशीन देखोगे उससे ज़्यादा हैवी हमने यूज़ किया गया है। और जो हमारी मशीन की वेट की कैपेसिटी है, उसमें पानी का जो प्रेशर है वो कहाँ से लेने हमने ये प्रेशर, अगर हम पानी भरना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्प्रे पंप को ऑन करोगे, सेकेंड वो प्रेशर ब्लैक कलर का वॉल्व है उसको आप लूज़ कर दोगे जी। और येलो कलर की पाइप को हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको ऑन कर देंगे, और पानी अपने आप उठा लेगा ये मशीन। ओके, हाँ। और उसके बाद जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है इस मशीन में, आपको अदर कॉम्पिटिटर में कहीं नहीं दिखेगा,
एडजस्टेबल एक्सल। हमारे यहाँ पर क्रॉप डिफरेंट टाइप ऑफ साइज़ में होती हैं, जैसे कि कॉटन की हो गई 2.5 फीट पे होता है, पोटैटो 24 इंच पे होता है, या अदर क्रॉप्स है, मेज हो गई या और कोई हो गई, उसके लिए हमने एक एडजस्टेबल एक्सल दे दिया है 62 इंच से लेके आप 75 इंच तक। जहाँ पर आपका क्रॉप है, जिस साइज़ की क्रॉप है, उस साइज पे आप सेट कर सकते हो, ताकि हमारी ये मशीन मल्टीपल क्रॉप्स के लिए बनी है, ना कि एक सिंगल क्रॉप के लिए है। तो इसे जो किसान भाई अगर लेना चाहता है तो उसे कैसे लेगा और उसके फायदेमंद के लिए क्या कैसे फ़ायदा है? देखिए सर, अभी जो हमारी मशीन है, अभी हम मार्केट में नहीं बेच रहे, हम सिर्फ अभी कंपनीज को दे रहे हैं, तो इसीलिए अभी किसान भाइयों के लिए विंडो ओपन नहीं की इस मशीन के लिए। जी सर। हाँ, तो अगर ये मार्केट में आती है तो किसान भाई के लिए कितना लाभदायक होने वाली है उसके कुछ? देखिए, अभी किसान भाई स्प्रे करने जाता है, एक दिन में किसान ज़्यादा से ज़्यादा एक बंदा हमारा 5 से 6 एकड़ कर रहा है, लेकिन उसी तरह मेरी एक मशीन एक दिन में 40 एकड़ स्प्रे कर रही है, तो कहीं ना कहीं 35 एकड़ का फ़ायदा ही फायदा है उसके लिए। और जो किसान भाई अगर आपको आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट पे, क्या आपको किसान भाई को सब्सिडी मिलेगी? देखिए, अगर हमने हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो हम पूरी कोशिश है इस पे सब्सिडी लेके आएंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान भाइयों को हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी दी। तो जैसे ही आपके किसान भाइयों, आपकी ये जानकारी आप तक पहुँचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि सर के द्वारा दी गई जानकारी से आपकी पूरी संतुष्टि आपको मिल सके। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।